हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक रोचक जानकारी। तो आइए हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं नीली क्रांति के बारे में? दोस्तों, आपने नीली क्रांति का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीली क्रांति का मतलब क्या है? नीली क्रांति का जन्म भारत में कब हुआ तथा नीली क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों, जनक मतलब होता है पिता। तो आइए अब हम आगे जानते हैं। नीली क्रांति का आशय मत्स्य पालन से है, यानी कि जो नीली क्रांति का मतलब है वो मत्स्य पालन से है, यानी कि मछली पालन से है। नीली क्रांति का भारत में जन्म सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ और 1985 से 1990 में हुआ, यानी कि जो नीली क्रांति का जन्म है वो भारत में सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ और 1985 से 1990 में हुआ। मछली पालन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कि मछली पालन में विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर हीरालाल चौधरी तथा डॉक्टर अरुण कृष्णन है, यानी कि जो नीली क्रांति के जनक है वो डॉक्टर हीरालाल चौधरी तथा डॉक्टर अरुण कृष्णन है। नीली क्रांति के तहत मछली पालन, मछली का निर्यात तथा लोम आदि नई नई तकनीकों को अपनाया गया, यानी कि नीली क्रांति के तहत मछली पालन, मछली का निर्यात। दोस्तों, मछली का निर्यात मतलब होता है मछलियों को विदेशों में भेजना, तथा इसके लिए मछुआरों को लोन भी दिए गए आदि। दोस्तों, हमारा जो भारत है वो तीन दिशाओं से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जो नीली क्रांति है वो हमारे भारत के जो मछुआरे हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। अब तो आपको मेरी ये बात समझ में आ ही गई होगी, और अगर आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।